हाय दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पायलट का एक गन, जिसके बारे में स्प्रे करके और मैं उसकी पूरी जानकारी आपको बताऊंगा और उसमें क्या क्या चीज़ आता है, किस तरह का वो गन है, कैसे इस्तेमाल करें और उसका स्प्रे कितना अच्छा है, वो सब जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए मैं आपको इस गन के बारे में डिटेल बताता हूँ। हम इसको पहले अनबॉक्स करेंगे। ये है पायलट का स्प्रे गन, जिसमें प्लास्टिक कैप लिखा हुआ है, प्लास्टिक का कैप है उसकी टोपी, और बाकी है वो ऐसे ही जो स्टील वाला आता है उसी टाइप का। इसके अंदर ये आता है इसका मटेरियल भरने के लिए, और ये इसकी गन है। उसके सिवाय दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आपको मैं इसमें गन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, कौन सा पार्ट खुलता है, कहाँ से कौन सा पार्ट खुलता है, सब बताया हुआ है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक इसका पीछे का निप्पल है जो हम पाइप में अपने इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको आपको इसके बारे में और जानकारी देता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। ये पूरा स्टैंडर्ड स्टील आता है, ब्रास से स्टील है। इसका जो ये कैप है ये भी खुलता है, और जब ये कैप अपने खोलते हैं तो खोलने के बाद यहाँ से अपने इसको सर्विस भी कर सकते हैं। जैसे बहुत बहुत टाइम अगर आप इस्तेमाल करते हैं गन को, तो इसमें इसको खोल के और फिर इसके अंदर भी अपने पूरा कचरा होता है, यहाँ से कचरा अंदर सब भर जाता है, तो हम उसको ये खोल के और साफ़ कर देंगे, और इसके जो सब होल हैं वो होल भी सफाई कर देंगे, तो ये बहुत अच्छा काम करने लग जाएगा। और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये इसका नोजल है। ये जो गन है 1.6 गन है, और इसमें ये है फ्लो सेटिंग का मोटा पतला करने के लिए, और ये है अपने मटेरियल के लिए। इसको हम टाइट करेंगे तो मटेरियल कम होगा, और इसको हम ढीला करेंगे तो मटेरियल ज़्यादा निकलेगा। ये अपना हवा के लिए, प्रेशर के लिए, तो प्रेशर के लिए हमको इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा। यहाँ से खोलेंगे और थोड़ा ऊंचा कर देंगे तो प्रेशर अपना कम आएगा। बाकी दूसरी गनों में प्रेशर की पाइप, प्रेशर का यहाँ पे आता है सेटिंग, लेकिन पायलट में वो सेटिंग नहीं आता है। और बाकी हर कंपनी में, चाइना में, डिविल्सन में, इनको में, सब में आता है, इसमें नहीं है वो सेटिंग। तो अब मैं इसे आपको, ये मैंने प्लास्टिक का कैप इसलिए मंगवाया है कि स्टील का जो कैप है वो बंद करने में और मटेरियल को भरने में बहुत तकलीफ पड़ती है, और ये जो है मटेरियल भरने के बाद ही बहुत जल्दी अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूर है ये अपना इस्तेमाल करने में, ये गन साफ़ सफाई और जो मटेरियल है वो इस गन में कभी गिरता नहीं है। मटेरियल कितना भी अंदर भर दो पूरा और ऐसे कर दो तो ढक्कन खुलेगा नहीं और गिरेगा नहीं। दोस्तों आज मैं इसको आप स्प्रे करके बताता हूँ। स्प्रे में क्या है, बहुत से हमारे पेंटर भाइयों को स्प्रे गन इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो बिना जानकारी का आप काम करोगे तो काम अच्छा नहीं होगा, काम फिनिशिंग में नहीं आएगा, उसमें आपके जो शेड बन जाएंगे और ढेले भी आ जाएंगे, उसकी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। मेन तो क्या होता है, आप जब गन का काम करो तो गन की सफाई आप बहुत अच्छी तरह करके उसको, उसके एक एक जो छेद हैं, होल है, वो बहुत बारीक से सफाई करना पड़ता है। जब तक आप उसको सफाई नहीं करोगे, अगर जरा भी कचरा अंदर रह गया तो वो कचरा फिर उसकी आपके फ्लो को अच्छे से निकलने नहीं देगा। तो इसीलिए इसकी जो सफाई है वो सबसे मेन चीज़ है। आप फ्लो अच्छा नहीं निकलेगा तो आप कहीं पर मारोगे तो थोड़ा लगेगा, थोड़ा रह जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसकी सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है।
अभी हमने इसको फिट कर दिया है पूरी पाइप लगा के। अब मैं थोड़ा सा मटेरियल डाल के आपको स्प्रे करके दिखाऊंगा। मटेरियल डालने के बाद में किस तरह स्प्रे करना है और करते थे पानी। किसी भी मटेरियल को मारने से पहले उसको फिल्टर करें और हो सके तो कॉटन के कपड़े से ही फिल्टर करें, जो उसमें बारीक बारीक भी जो डस्ट होती है वो निकल जाती है। अब गन के बारे में दोस्तों, आपको पहले क्या करना है, कहीं भी स्प्रे करने से पहले मटेरियल भरने के बाद आपको उसका जो फ्लो है वो देखना है, प्रेशर देखना है। प्रेशर के लिए आप इसमें ये गन में कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इसके नीचे एक प्रेशर कम करने के लिए आता है वो आप यहाँ पे लगा के उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें प्रेशर आपको एक ही जगह मिलेगा, तो प्रेशर अगर आपको कम ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मिलता है वो आप लगवा सकते हैं, लाके जल के साथ फिट रखेंगे कहीं भी लगा दें। दूसरी चीज, आपको जो मटेरियल है ज़्यादा मटेरियल मारना है तो इसको आप ढीला करें, जितना ये ढीला करेंगे तो मटेरियल ज़्यादा निकलेगा। इसको आप टाइट करेंगे, जितना टाइट करेंगे तो मटेरियल आपका कम निकलेगा और इसको ज़्यादा करेंगे तो मटेरियल ज़्यादा निकलेगा। और दूसरा ये है, ये आप एकदम टाइट है, फिर आप जब इसको ढीला करोगे तो अभी निकल रहा है एकदम एक इंच का मार। आप जैसे इसको जिसको आप ज़्यादा करोगे ये आपका निकल गया 3 इंच का मार, तो ये 4-5 इंच, ये अपना 8-9 इंच का मार निकल। तो ये आपको जिस तरह मारना है उस तरह आप कम ज़्यादा करके मार सकते हो। लेकिन क्या है, आप अगर चौड़ा करके मारोगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको थोड़ा मार के दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, देखो मैंने इसको एकदम टाइट करके तो आपको दिखा रहा हूँ, एकदम पतला निकल रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा चौड़ा करेंगे, ये थोड़ा मोटा नहीं। अब इसको हम थोड़ा और चौड़ा करेंगे, ये अपना निकला कम से कम 9 इंच। आपको अगर स्प्रे करना है, अच्छा काम करना है, 9 इंच जो आप करके मारोगे आपको कोई भी काम कहीं की मिस्टेक नहीं आएगा। मटेरियल नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो कम ज्यादा होगा, बशर्ते ये सफाई साफ होनी चाहिए। तो इसलिए आप इसका बहुत ध्यान रखें। अब जैसे ये मटेरियल आप इसको जो इतना टाइट कर दोगे तो मटेरियल बहुत कम निकलेगा। ये पूरा कवरिंग है, ये थोड़ा अपना हल्का सेट दिख रहा है, तो इसको मैंने टाइट किया तो यहाँ पर मटेरियल कम दिख रहा है, यहाँ पे कम मटेरियल। अब मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ, ये अपने जो है करेंगे। इस तरह आप जो है स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर अब ये जो है ये मैंने इस तरह रखा हुआ है, तो इस तरह रखने से आपको हाथ इसी तरह चलाना है। अगर आपको खड़ा हाथ मारना है इस तरह का, आप इसको फिर इसको ऐसे सीधा करें, सीधा जब करेंगे तो आपको हाथ सीधा चलाना, ये पतली लकड़ी बनी
एक और मोटर, ये है अपना स्प्रे करने का अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका। ये अपना ये पतला निकला, अब इसके बाद में ये निकलेगा थोड़ा सा मोटा अपना 4 इंच। ये मैं खड़ा ही हाथ चला रहा हूँ, 6 9 इंच। इसी तरह एक और सिंगल मार के, और सिंगल मारने के बाद में आप ये है, आप कहीं भी मारो तो कभी लेना ले रहा है। तो मेरी ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर जानकारी में कोई कमी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपको एक नई नई वीडियो ला के बताऊंगा कि अपना जो पेंटिंग का काम है स्प्रे पेंट का, वो किस तरह का स्प्रे पेंटिंग। बहुत से लोग सोचते हैं अरे मुझे स्प्रे करना नहीं आता, लेकिन स्प्रे जो है बहुत ही आसान चीज़ है। उसमें आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है गन के बारे में पूरी डिटेल, जिस तरह हम 1 इंच 2 इंच 4 इंच का ब्रश इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी मारना जहाँ है वहाँ उस तरीके का ब्रश लेते हैं। तो वैसे ही गन है, तो जहाँ मारना है उस हिसाब से आप गन का इस्तेमाल करें, कितना चौड़ा हुआ रहता है, तो आपका काम बहुत ही अच्छा। पॉलिश मारने हो, पीओ मारना हो, डिपो मारना हो, वाटर पेंट स्प्रे करना हो, सब चीज़ आप स्प्रे करो तो आपको बस इसका जो सेटिंग है वो सेटिंग आप अच्छे से रखें। थैंक यू दोस्तों, मेरी ये जानकारी कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर करें।